नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी कि एनटीए ने 4 जून को नीट यूजी परीक्षा का रिजल्ट जारी किया। पता चला कि 67 बच्चों ने एग्जाम टॉप किया है। उन सभी के 720 में से 720 नंबर आए थे। ये पहली बार है जब इतनी बड़ी संख्या में छात्रों के फुल मार्क्स आए हों। मामले को लेकर एनटीए पर कई सवाल खड़े हुए। अब एनटीए ने सफाई दी है। मामला फिजिक्स के गलत सवाल से जुड़ा है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक फुल मार्क्स पाने वाले 67 में से 44 छात्रों को एक गलत सवाल के लिए बाद में अलग से ग्रेस मार्क्स दिए गए। उनका गलत जवाब पुरानी वाली क्लास 12th की एनसीईआरटी बुक में एक गलत संदर्भ पर आधारित था। क्या सवाल था? सवाल में 2 स्टेटमेंट दिए गए थे, छात्रों को जवाब देना था उनमें से कौन सा सही और कौन सा गलत है। इसके लिए 4 ऑप्शंस दिए गए। पहला स्टेटमेंट, एटम्स इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं क्योंकि उनमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज समान संख्या में होते हैं। दूसरा स्टेटमेंट, हर एलिमेंट के एटम्स स्टेबल होते हैं और अपने विशिष्ट स्पेक्ट्रम का उत्सर्जन करते हैं। जवाब के लिए 4 ऑप्शंस दिए गए थे, पहला सही लेकिन दूसरा गलत, पहला गलत लेकिन दूसरा सही, दोनों सही या दोनों गलत। ये सारे ऑप्शंस दिए गए थे। छात्रों ने अपनी अपनी समझ से जवाब लिखे। 29 मई को एनटीए ने आंसर शीट जारी की, उसमें सवाल का सही जवाब था ऑप्शन 1। इसके बाद छात्रों के बीच बवाल मच गया। 10,000 से ज़्यादा उम्मीदवारों ने क्लास 12th की पुरानी वाली एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का हवाला देते हुए आंसर को चैलेंज किया। कहा गया कि पुरानी किताब के हिसाब से ऑप्शन 3 सही है। पुरानी बुक में लिखा था कि हर एलिमेंट के एटम स्टेबल होते हैं, इस हिसाब से ऑप्शन 3 सही हो गया। नई बुक के हिसाब से ज्यादातर एलिमेंट्स के एटम स्टेबल होते हैं और यही सही है। एनटीए ने इस पर क्या कहा? एनटीए के एक अधिकारी ने जानकारी दी, हम सभी उम्मीदवारों को नीट के लिए केवल एनसीईआरटी किताबों से तैयारी करने की सलाह देते हैं, इसलिए हमने उन सभी उम्मीदवारों को क्रेडिट देने का फैसला किया है जिन्होंने तीसरा ऑप्शन चुना। भारत में सदियों से बड़े भाई बहन अपनी किताबें अपने छोटे भाई बहनों को दे देते हैं और इसमें कोई बुराई नहीं है, हम सब ने ये किया है। एनटीए छात्रों को नई किताबें खरीदने के लिए भी नहीं कह सकता क्योंकि हर किसी के लिए आसान नहीं हो सकता। हम एक बैठक करेंगे और ऐसी स्थिति के लिए उचित प्रोटोकॉल्स बनाएंगे। एनटीए ने उन सभी छात्रों को 5 मार्क्स दिए जिन्होंने तीसरे ऑप्शन को चुना। इस वजह से कुल 44 छात्रों के अंक 715 से बढ़कर 720 हो गए, जिससे टॉपर्स की संख्या बढ़ गई। अधिकारी ने साफ किया कि 67 छात्रों को पहली रैंक दी गई है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सभी 67 छात्रों को एम्स में प्रवेश मिलेगा। हमारी टाई ब्रेकर नीति है, उसके हिसाब से ऑल इंडिया रैंक 1 हासिल करने वाले हर छात्र को गणना की गई मेरिट सूची में उनकी वास्तविक स्थिति दिखाई देगी। छात्रों के स्कोर कार्ड में उस विवरण का उल्लेख होता है। ज्यादा टॉपर्स निकलने की अन्य वजह बताते हुए एनटीए अधिकारी ने कहा कि इस साल पेपर तुलनात्मक रूप से आसान था, रजिस्ट्रेशन की संख्या में भी बढ़ोतरी देखने को मिली। आपको बता दें कि 2019 और 2020 में नीट यूजी में एक एक टॉपर रहे, फिर 2021 में 3, 2022 में 1 और पिछले साल 2 छात्रों ने परीक्षा को टॉप किया था। टाई ब्रेकर का नया नियम भी आपको बता देते हैं। दैनिक भास्कर से जुड़े दीपक आनंद की रिपोर्ट के मुताबिक पहले टाई ब्रेकर का हल 7 पैरामीटर्स के आधार पर तय किया जाता था, लेकिन इस बार इसमें एक नया पैरामीटर जोड़ दिया गया, एप्लीकेशन नंबर वाला पैरामीटर। यानी जिस छात्र ने पहले एप्लीकेशन फॉर्म भरा उसे प्रेफरेंस मिलेगी। इस नए नियम का जिक्र एनटीए ने रिजल्ट जारी करते वक्त किया। इस पर भी सवाल उठ रहे हैं। कहा जा रहा है ये प्रावधान नीट के इन्फॉर्मेशन ब्रोशर में शामिल किया जाना चाहिए था ताकि छात्र पहले अप्लाई कर पाते। आपका इस खबर पर क्या सोचना है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ये तमाम जानकारी आपके लिए लेकर आई थी हमारी साथी ज्योति। मेरा नाम है दिव्यांशी सुमराव, देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।